अभी ये क्लास में लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ये फिर भी मैं 17th आफ्टरनून में क्लास ले रहा है 2 बजे, बट वो इंग्लिश ले रहा है। कुछ बच्चा का नहीं आ रहा है ना, उनका बात कर सकता है, वो रिपीट कर रहा है बट इंग्लिश में कर रहा है, बिकॉज साउथ इंडियन ज्यादा आदमी को हिंदी मालूम नहीं है ना। सो मेरा कोलिग से वो लोग अटेंड करेगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश में रिपीट करेगा। कुछ आदमी को मैं फ्रेंड को बताना, कुछ आदमी चांस से मिला उनका बोलना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अभी ये लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, मैं CSTR कलकत्ता में काम करने का टाइम है 2019 से 2008 तक था। उधर में ज्यादा ट्रेनिंग ऑफिसर्स, वेरी एक्सपर्ट्स, वो लोग सब लोग रिटायर हो गया, तुषार घोष, अर्जुन दास, आशीष चक्रवर्ती, वो बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस पीपल है, वो लोग रिटायर हो गया। अभी नहीं मिलेगा ऐसा आदमी आपको। हम लोग ऑफ कैंपस जाते हैं ज्यादा, बाहर में, मीन वेरियस स्टेट, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सब जगह ऑलमोस्ट इंडिया घूम गया, इवन राजस्थान। एक ट्रेनिंग ऑफिसर मैं उनका साथ जाएगा, हम लोग शेयर करता है टॉपिक्स, इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग है, पीओटी का ट्रेनिंग है, कुछ कुछ टॉपिक शेयर करने के टाइम में उनका क्लास में अटेंड करता है मैं। तो वो लोग का आर्ट बहुत आर्ट है, स्पेशली वो पुराना टी ट्रेनिंग ऑफिसर्स है। अभी उन लोग ऐसा आदमी अभी वेरी रेयर, बहुत आदमी लेस है, इसलिए मैं क्लास आपका अटेंड कर रहा बोलूंगा। बिकॉज टीचर्स, अभी इंडिया में टीचर्स का बहुत मुश्किल आ रहे हैं। टीचर मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट का मालूम, सब्जेक्ट मालूम है उन लोग का, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, ज्यादा आदमी का सब्जेक्ट मालूम है, बट ज्यादा आदमी को वो कैसा ट्रांसफर करेंगे, वो सब्जेक्ट कैसा बच्चे का बोलेंगे, इधर में प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ उनका, मैं ज्यादा ग्रेट नहीं बोल रहे हैं, हमका क्या मालूम है उनका देना पड़ेगा। सी एग्जाम्पल क्या हो रहा है, एग्जाम आपका दे रहे हैं, मैं कम्युनिकेशन क्लास बता दिया आपको, हमारा मैथमेटिक्स क्लास चलता है 11th 12th में, सब लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्या बोलते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर है ना, आकाश वाला ट्यूटोरियल्स है, आकाश प्लस ज्यादा ट्यूटोरियल्स है उधर में। वो क्या करता है, बच्चा स्मार्ट बच्चा, कुछ बच्चे लोग उधर जाकर ट्यूशन में पढ़ते हैं, हमारा टीचर क्या करता है, क्लास लेने टाइम में वो बच्चे लोग आंसर देता है। एग्जाम्पल मैं क्लास ले रहा है, एक बच्चे बोला आंसर, यस सर बोलता है, तो टीचर क्या समझता है, ओके बच्चा लोग को मालूम हो गया, वो नेक्स्ट लेसन जाएंगे, दूसरा लेसन जाता है। वो क्या होता है, पीछे वाला बच्चा लोग का, पीछे मीन्स में इंटेलिजेंट नहीं बोल रहे हैं, ये बाहर जाके कोचिंग नहीं कर रहा है, कुछ पूरा आदमी इंटेलिजेंट है, फिर भी उन लोग का बाहर जाने का चांस नहीं मिल रहा है, उनका पूरा ट्यूशन नहीं जाएगा, अब इस क्लास में उनका लाइफ है, वो लोग का समझ में नहीं आता है, ये वाला नेक्स्ट लेसन जाता है। मेरा फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रेंड्स में बोला, बाबू आप एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज आपका, कुछ आदमी बोल रहा ऑडियो है आपका, ऑडियो ये काम करो, आपको मोबाइल का प्रॉब्लम है, मोबाइल सेटिंग में प्रॉब्लम है, एक बार देखो। मेरे फ्रेंड्स बोला, बाबू आपका ये एवरेज स्टूडेंट है, आपका कैसा बेस्ट टीचर मिल गया। मैं बोला, आप लोग हमारा क्लास करने के टाइम में वो हमारा टीचर ऐसे बात करता है, इंटेलिजेंट बच्चे लोग फास्ट में चलता है, मैं बाद में घर में आके हमको समझ में नहीं आता है, ये बच्चे लोग हमको समझ में आता है, कुछ बच्चे लोग नहीं बोलता है। सो मैं क्या बोल रहा है, मेरा एमिंग क्या है, ये बच्चे लोग ज्यादा आदमी बाहर का, मीन घर में पूर फैमिली है, कुछ दूसरा है, उन लोग का टीच करो, दैट मीन्स लोएस्ट पर्सन आपको पकड़ो, ऑटोमेटिकल के इंटेलिजेंट पर्सन आपको समझ में आएगा। मेरा टीचिंग है एकदम ग्राउंड लेवल है, कुछ आदमी का मालूम रहेगा उनका टीच करना है, देन ओनली हम लोग का अच्छा टीचर है। 10% टॉप 10 स्टूडेंट्स उन लोग में टीच करेंगे नहीं करेंगे, वो पढ़ के मार्क लेगा। सो हम लोग कौन का एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट का हमका टीच करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करता है, ये फॉलो नहीं करता है, बिकॉज उन लोग का ये लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान नहीं प्रिपेयर कर पाए, उनका फीडबैक लेके ऐसे जाता है। सो ये उनका पहले ये CSTR कलकत्ता से मैं शुरू कर दिया, उनमें लर्न कर दिया ये सब, ये क्लास हमका ऑलमोस्ट 100 times ले लिया, फिर भी नाइट बैठ के ज्यादा मॉडिफिकेशन करके, ज्यादा कलरिंग करके एकदम दो दिन पढ़ा। क्यों पढ़ाया ना, लेसन प्लान, अब ये PPT बोलता है लेसन प्लान, पहला टाइम में लेसन PPT नहीं था, वो टाइम हम लोग क्या करते हैं, मार्क ये वाला वो ट्रांसफर शीट बोलता है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसफर करके कलर करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उनका पहले ब्लैक बोर्ड व्हाइट चेक रहते हैं, ड्राइंग करते हैं। अभी आपको लगा बहुत चांस, विजुअल आ गया, वीडियो आ गया, बहुत मॉडल्स आ गया, बहुत बहुत चांस है। सो ये वाला भी एक डेमोन्स्ट्रेशन लेसन प्लान है, PPT इज अ लेसन प्लान, कुछ नहीं है, पहले हम लोग बुक में लेके आता है, अभी ये करता है। ओके अभी मैं क्लास में चल रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ डाउट होगा उनका मैसेज दे दो, रेस नहीं करना है, मैसेज दे दो, मैं आपका समझ में आता है।
कुछ बच्चे का मोबाइल का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा मोबाइल में चेकअप करना है, ठीक है, सब लोग का आ रहा है, लेट्स गो टू क्लास। ओके, लेसन प्लान का मीनिंग क्या है? लेसन प्लान इज द अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर टीचर, टीचर इंस्ट्रक्टर, ब्लू कलर देखो, ब्लैक कलर जरूरत नहीं आपको, टीचर इंस्ट्रक्टर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हमारा नॉलेज हमारा एक्सपीरियंस लेके पुट इन ए सिस्टमैटिक वे ऑन द पेपर और स्मॉलेस्ट गिवन अवर सिलेबस विच कैन बी कवर्ड इन द पीरियड। आप लोग स्कूल देखो ना, स्कूल टीचर से सब जगह एक वो लोग का एक प्रिपरेशन होता है। अभी हम लोग का पीपीटी, पीपीटी एक लेसन प्लान है। ये क्लास क्या कर रहा है, मैं एक घंटा क्लास ले रहा है, ये पीपीटी के लिए ये पढ़ने के लिए हमका 10 मिनट में पढ़ सकता है। ये वाला पॉइंट लेके, ये वाला स्मॉल पॉइंट एग्जाम्पल, टीचर का नॉलेज है, ये पॉइंट मेरे पास एक पेन में या पेंसिल पुराना में एक नोटबुक लिखता है, ऐसे लिखता है लेसन प्लान क्या है, मीनिंग है। सो ऐसा हम लोग का ये स्मॉल पेपर में, और एक पेपर में, एक दो तीन पेपर में हमारा सब्जेक्ट पूरा शॉर्ट वर्ड्स में लिखना है, स्मॉलेस्ट डिग्रीज ऑफ सिलेबस। मीन्स एग्जाम्पल आज का मैं क्या बोल रहा है, एक पेपर में लिख के हमको करना है। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, और पीरियड एग्जाम्पल 45 मिनट्स टू एक घंटा, जनरली थियरी क्लास होता है 45 मिनट्स टू एक घंटा होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक घंटा होता है, जनरल स्कूल में 45 मिनट्स होता है, प्रैक्टिकल आपका 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर होता है, प्रैक्टिकल मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन। ज्यादा आदमी 3 घंटा 4 घंटा बैठने का आपका सब ईजी नहीं है, एक्चुअली हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक बच्ची मैक्सिमम 1 घंटा बैठ सकता है, उनके बाद में रिफ्रेशमेंट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, हम लोग चाय पीता है, बाहर जाता है, घूम के आता है, बैठता है, कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता है, कंटिन्यूस लिसन नहीं कर सकता है। सो ये लोग ये वाला हमका 1 घंटा, हम लोग अच्छा की एनिमी 1 घंटा दिया, 2 घंटा क्लास ले सकते हैं हम लोग, बट आप लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। सो ये वाला क्या है, ये सिलेबस में हम लोग क्या करना, क्या सिलेबस में आज का एक कुछ सिलेबस रहे एग्जाम्पल, कुछ में एग्जाम बाद में देंगे, उधर से एक सिलेबस में एक एक पॉइंट लिखना पड़ेगा पूरा। मैं देखा कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ ट्रेनिंग पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा बड़ा बड़ा करके रीड करके जाता है, ऐसा नहीं करना, एक पॉइंट पॉइंट देना पड़ेगा, एक पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना, उनका एग्जाम्पल देना, ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट सब लोग जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, पीवीटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो लेसन प्लान, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ये क्या मीनिंग है, ये कंप्यूटर में नहीं वाला है ना, फेलिंग टू प्लान, प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सपोज हम लोग कुछ प्लान नहीं करेंगे 100% फेल हो जाएगा। इवन कुकिंग एग्जाम्पल, हम लोग का पहले मोदी जी निकले कराटे में पहले राइस दाल सब लेके आया ना, सब वो टाइम नहीं लेके आया, अभी हमका कुछ नहीं मिल रहा है बाहर में, प्लानिंग चाहिए, एग्जामिनेशन प्लानिंग चाहिए, एग्जामिनेशन छोड़ के एग्जाम लास्ट एक दिन पहले बढ़ के पढ़ेंगे कुछ नहीं मिलता आपको, पहले से प्लान करना है, कुकिंग प्लान करना है, पढ़ने का प्लान करना है, पैसा लेने का प्लान करना है, सब प्लान करना है। प्लान नहीं होगा आपका 100% आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, समझ में आया ना। लेसन प्लान इज अ बॉडी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ टीचिंग एंड प्लानिंग इज अ स्कीम ऑफ अकॉम्पलिशन पर कोर्स। ये बॉडी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, लेसन प्लान मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं, एक चौड़ा एक बॉडी मीन्स पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर एक जगह में आके वो हमका एक्सप्लेन करना है। मैं आपका समझ में आता है, थोड़ा बाद में समझ में आता है। लेसन प्लान फीचर्स, लेसन प्लान करने का हम लोग का फीचर्स क्या क्या फीचर्स आते हैं। प्लान शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल, लेसन प्लान हिस्ट्री नहीं आना चाहिए, सिंपल ब्रीफ एंड सिंपल, एक पॉइंट वाइज पॉइंट। ये देखो बुलेट आ रहा है, डिफरेंट कलर में आ रहा है, एक बुलेट एक बुलेट एक बुलेट, ये पूरा हिस्ट्री। प्लान शुड बी ऐसा, हिस्ट्री नहीं आना चाहिए, एक पैरा नहीं आना चाहिए, एक पॉइंट आना चाहिए, वो पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करना है। प्लान शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल, छोटा है, ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक दो लाइन बस, एक चैप्टर में, मेरे एक सब्जेक्ट में दो लाइन, एक पॉइंट में, देन सिंपल। इंग्लिश में ज्यादा इंग्लिश, हार्ड इंग्लिश और लैंग्वेज जरूरत नहीं, सबके लैंग्वेज सब लोग का मालूम होना चाहिए, सिंपल मेरा लैंग्वेज मेरा स्टूडेंट का मालूम होना चाहिए। मैं ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज जरूरत है हमको, हम लोग आईटीआई बच्चों लोग ऑक्सफोर्ड नहीं आता है, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में वो फिर भी हम लोग का इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश, हमारा इंग्लिश हमारा हिंदी में हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग टू स्टूडेंट, बच्चों लोग का समझ में आना चाहिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज, एंड इट शुड बी ब्रीफ, नॉट बड़ा बड़ा हिस्ट्री नहीं आना चाहिए, एक पॉइंट दो पॉइंट में लेना चाहिए। प्लान मस्ट बी लिंक्ड विद प्रीवियस वर्क डन, सपोज मैं क्लास ले रहा है, क्लास लेसन प्लान कर रहा है,
उनका पहले क्या चाहिए हमको, कम्युनिकेशन चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग चाहिए, ये लेसन प्लान कल का लेसन प्लान से लेके आ रहा है। एग्जाम्पल मैं आज का ये वाला स्टिच कर दिया, मैं एग्जाम्पल एक स्टिच कर दिया, ये अभी नया वाला का एक काला स्टिच कर रहे हैं, स्टिच करने के टाइम बोल रहा है काला स्टिच करने का पहले मैं कल ये वाला स्टिच कर दिया, आज हम लोग काला कर रहे हैं, ये वाला कैसे कहेंगे रिविजन करना है, उधर से लेके आना चाहिए। आप निमी बुक ले लो, निमी बुक सब बुक में कंटिन्यूटी आता है, मैं निमी में काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आता रहे बुक में पहले 1990 का पहले, उधर में फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कंटिन्यूटी आता है, ये सीक्वेंस आना चाहिए। मैं ये लेसन लेने का पहले प्रीवियस लेसन क्या है मैं एक्सप्लेन करना आपको, ये वाला थियोरेटिकल लेसन ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बट आप लोग प्रैक्टिकल आएंगे मैं कंटिन्यूस करते हैं क्या कल क्या किया आज क्या कर रहे हैं सर। ओके, लिंक्ड विद प्रीवियस, पुराना पुराना एग्जाम को आपका लिंक करना है। लेसन प्लान एंड लैंग्वेज और टेक्निक टर्म्स मस्ट बी लर्नर्स लेवल। लेसन प्लान लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज एंड टेक्निक क्या टेक्निक दे रहा है ये आप लोग का स्टूडेंट लोग का समझ में आना चाहिए। पहले मेरा टीचिंग भी बोल रहा है प्लीज लास्ट बेंच तक हमका टीचिंग का उनका अंडरस्टैंड आना चाहिए, देन ओनली वो लेसन प्लान ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। देन टाइटल ऑब्जेक्टिव शुड बी, टाइटल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर picked up indicate from the syllabus, the title important hai, title means aaj ka title kya hai, lesson plan aaj hum log kya class le rahe hain ye wala important hai, objectives means ye lesson mein hum log kya kya pad rahe hain, abhi nsq form mein sab wo sab aa gaya nsq mein, so aaj ka ye subject mein kya kya pad rahe hain, kya kya points aayega, ye wala objectives hai plan, ye point aap log ka clarity hona chahiye, ye objective subject mein related hona chahiye, objective means kya, objective means ye khatam hone ke baad mein main kya karta hai, ये क्लास लेने के बाद में मैं क्या कर सकता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सो ये वाला पूरा करके ये क्या क्या लर्न कर रहे हैं पूरा उधर में पॉइंट आना चाहिए। इंडिकेट फ्रॉम द सिलेबस, सिलेबस में लेके ये वाला फिक्स करना है, 5-6 पॉइंट बस, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये पूरा सिलेबस में पॉइंट, पहले ये क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, सब ऑब्जेक्टिव करके करना है। नहीं नेक्स्ट फीचर्स कंटिन्यूस, सब्जेक्ट मैटर शुड बी एनालाइज्ड एंड इंडिकेट द टॉपिक इन सीक्वेंस, सब्जेक्ट मैटर सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस मींस 1-2-3 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल अकबर स्टोरी पढ़ रहे हैं, अकबर बर्थ उनका कब बर्थ हो गया, कौन का पेरेंट्स कौन है, बाद में कब युवराज हो गया, ऐसे ऐसा होना चाहिए ना। डेथ पहले हम लोग डेथ नहीं देते हैं, पहले अकबर डेथ हो गया बाद में शादी हो गया, ऐसे नहीं करता है ना, सीक्वेंस आना चाहिए। सेम सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट में सीक्वेंस मिस करेंगे, तीर सब मिस करेंगे, आप लोग का प्रॉब्लम आएगा। पहले स्टेप सेकंड स्टेप ऐसा सीक्वेंस में करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले इजी टू अंडरस्टैंड, सब इजी में अंडरस्टैंड होना चाहिए, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट, बाद में डिफिकल्ट उनका बताएगा एस्केप हो जाएगा, सिंपल से आना चाहिए, सिंपल मीन्स छोटा वाला बोल के ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा, पहले डिफिकल्ट देंगे वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल शुड बी अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर एंड इंडिकेट, सी इंस्ट्रक्शनल मीन्स टीचिंग, मैं सब लोग का पीपीटी भेज रहा है, कुछ कुछ बच्चे का ईमेल में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों है ना, ये मैं क्लास लेके बाद में जा रहे हैं ना, तो एक दो दिन का बाद में देखेंगे ना पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, आज क्लास आपको देंगे ना शाम को देखेगा ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है। मैं क्लास में बोलता सब लोग को क्लास अटेंड करो, कुछ नहीं लिखो, अटेंड करके पूरा देखो, एक बार घर जाके पढ़ो, 100% माइंड में जाएगा। क्लास अटेंड करके अच्छे अटेंड कर रहे हैं क्लास, नहीं पढ़ रहे हैं रिविजन कर रहे हैं ना, क्या होता है भूल जाता है, ह्यूमन मेंटल ह्यूमन माइंड है ना, ज्यादा हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। So, attend करके मैं क्लास कितना अच्छा क्लास लेंगे, आपको पीपीटी नहीं देंगे ना, यूजलेस, आप लोग का कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, बुक चाहिए, पीपीटी चाहिए, हैंडआउट चाहिए, ये पूरा आपका निमी बुक में है, निमी पीओडी बुक में, उधर से लिए गए, हम लोग का बुक है सीएसटी हम लोग किया, वो ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा मॉडिफाई किया हम लोग। सो मटीरियल मीन्स बुक बुकलेट, अभी आपका पीओडी बुक आ गया, ट्रेड कुछ ट्रेड नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो कभी मैं ये बात वो करेगा जल्दी करेगा, बट आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल्स पीओटी आ गया पेपर आ गया। टू डिसाइड वेदर इट इज फॉर क्लासरूम और लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर और शॉप फ्लोर डेमोन्स्ट्रेशन, पहले हमको समझ में आना चाहिए ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ये थियरी करेंगे। सपोज लास्ट वीक में सीएसएस ले लिया संजय सराटे, ये डेमोन्स्ट्रेशन है वो थियरी नहीं है,
ये थ्योरी एक्सप्लेन करके जाके डेमोन्स्ट्रेशन, ये कैसे कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। सो पहले हमका होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन और थ्योरी, पहले हमका प्लान होना चाहिए। ये लेसन प्लान थ्योरी, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे आता है, कुछ बच्चे आके क्लास लेते हैं, हम लोग वीडियो करके उनका दिखाएंगे, ये वाला आप बोलते हैं, कुछ बच्चे लोग का आपका डेमोन्स्ट्रेशन करके आइए हम लोग चेक करेंगे, ये वाला मीन प्रैक्टिकल होता है। पहले हम लोग का थ्योरी और डेमोन्स्ट्रेशन हमको समझना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है अलग है, थ्योरी प्लान लेसन प्लान अलग होता है। Now, prerequisite of good planning. Good planning करने के लिए आपको क्या चाहिए? Prerequisite, planning करने का पहले हम लोग को क्या चाहिए? क्या important points हम लोग देखना है? What to teach? आज का subject क्या teach करना है? क्या? What is the subject? Matter क्या है? Good listening, lesson plan, demonstration. आज का lesson क्या है? Demonstration plan, lesson plan. क्या teach करना है? Lesson plan teach कर रहे हैं. How to teach? पीपीटी करेंगे और ओरल टीच करेंगे, ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे और वीडियो में देंगे आपको और बुक दे के पढ़ेगा बोलेंगे, कुछ एक्सरसाइज देंगे, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है ना, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है, क्या मेथड देंगे, कैसे देंगे, देन व्हेन टू टीच, कब टीच करेंगे, क्या टाइम टीच करेंगे। जनरल हम लोग क्या होता है, ये वाला थ्योरी जनरल हम लोग मॉर्निंग करते हैं, प्रैक्टिकल लंच के बाद करते हैं, जनरल लंच के बाद में कुछ आदमी हो जाएगा, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। So, हम लोग का टाइमिंग होना चाहिए। ये लेसन प्लान कब चाहिए हमको, प्रैक्टिकल करने का पहले लेसन प्लान होना चाहिए। ये क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं वो लेसन प्लान होना चाहिए। सो कल का सब्जेक्ट आज लेसन प्लान नहीं होना चाहिए। सो दैट मींस टाइम व्हेन टू टीच व्हाट कब टाइम। सो अभी एग्जांपल हम लोग खाना का टाइम मिट्टा का टाइम। सो नॉर्थ इंडियन क्या बात है, मिट्टा नॉर्थ लास्ट में करते हैं, साउथ इंडियन मिट्टा पहले करते हैं हम लोग। सो हम लोग का देखो ये वाला सिस्टम है ना, सिस्टम सिमिलरली एक क्लास कब लेना है, पहले लेना है, बाद में लेना है, सेंटर में लेना है, हम लोग कुछ एग्जाम देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, स्टोरी बताता है, कब देना है, ये वाला पूरा हमको समझ में आना चाहिए। Whom to teach, what are the trainees, क्या है उन लोग का, क्या क्वालिफिकेशन है, किधर से है उन लोग, क्या ट्रेड है उनका। एग्जाम्पल मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड हुआ आपका, मैं डस्ट मेकिंग ट्रेड करता है, ज्यादा आदमी डस्ट मेकिंग में है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पल देंगे आप लोग प्रॉब्लम आएगा, अभी है मैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, फिर भी आपका मैं समझ में करता है। सो आपका ट्रेड क्या है उनका लिए मेरा क्लास चेंज होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड क्या है हमका चेंज, आप लोग का क्या ट्रेड से आ रहा है, मेरा टीचिंग बता रहा है चेंज होना चाहिए। आप किधर से आ रहा है, एग्जाम्पल बेंगलुरु से आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है और बॉम्बे से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, सो लाइक चेंज करना है। सो पहले कौन रिसीवर्स कौन है, टीच मीन स्टूडेंट्स कौन से हमको मालूम होना चाहिए। वेयर टू टीच, किधर टीच करना है, क्लासरूम में करना है, पीपीटी में करना है और घर में बैठ के, ऐसा भी अब सब लोग घर में होना चाहिए, बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसलिए मैं थैंक्स टू मी डायरेक्टर सर एंड अदर टीम मेंबर्स रोबी एंड माय फ्रेंड हरमन अदर पीपल। सो क्यों है ना, कब करना है, किधर करना है, घर में बैठकर कर सकते हैं आप, कॉलेज नहीं आ सकते आप लोग, सो ये वाला किधर करना है, व्हाई टू टीच, क्यों करना है। 21 डेज आप लोग का कुछ सब्जेक्ट नहीं होगा, भूल जाता है मैं टीचिंग क्यों इंटरेस्ट होता है। अभी तक मैं प्रिंसिपल हूँ, एक वीक में मिनिमम 3 सेशन में क्लास लेता है, एक मंथ में टीचिंग नहीं करेंगे ना भूल जाएंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बाद में बैठने का रहता है। इसे आप लोग का वही टीचिंग, वही टू लर्न, ऐसा नहीं थोड़ा दिन सो जाएंगे ना, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिक सो जाता है आप लोग। सो प्रैक्टिस वही ये चाहिए आपको। पूरा वर्ल्ड में अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, आप लोग बैठ कर घर वेट कर रहे हैं, मेरा स्टूडेंट्स कुछ लोग, आप लोग स्टूडेंट कुछ लोग मास्क बन रहे हैं, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है वही टू टीच के, बस अभी जरूरत है, अभी घर में बैठकर टीच करना है ना, क्लास नहीं आएगा, ये वाला ऐसे बोला सब लोग अटेंड करो बोल रहा है मैं, मेरे स्टूडेंट्स को और सब स्टूडेंट को। नेक्स्ट टाइम आपका एग्जाम आएगा, ये पीपल टॉपिक मोस्टली जनरली आप नहीं कर सकता है, फ्रैंकली बोल रहा है मैं, कुछ आदमी बोल रहा है इंटरेस्ट नहीं, सपोज आप लोग का टीचिंग करने का इंटरेस्ट है, ये वाला चाहिए आपको, बाद में मैं टीच नहीं करेंगे, दूसरा आदमी आपका क्लास पे टीचर का टाइम नहीं मिलता, सब लोग आपका मोस्टली मे मंथ ज्वाइन होगा उनका, बाद में एक महीना ट्रेनिंग इधर में DST सब प्रॉब्लम है, नहीं होता है, इसलिए आप लोग लर्न करना, घर में बैठ के लर्न करना है, मैं पीपीटी भेज रहा है आप लोग का, आप लोग लर्न करो, ठीक है, ये वाला प्रीरिक्विजिट प्लानिंग। नाउ कंटिन्यू, प्रीरिक्विजिट ऑफ गुड इंस्टीट्यूट प्लानिंग। सो उनका लिए इंस्ट्रक्टर टीचर क्या करना है, द इंस्ट्रक्टर मस्ट बी मास्टरिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। सपोज बोलो मैं आपका सब्जेक्ट नहीं आएंगे आपका मैं क्लास ले सकता है, नहीं ले सकता, ये सब्जेक्ट मैं ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ले लिया पहले कलकत्ता से ले लिया, फिर भी मैं प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, डेली पढ़ता है,
स्पीकिंग में और मोटर मैकेनिक में मैं क्लास ले सकता है, थोड़ा आइडिया आता है मोटर मैकेनिक क्या आता है, फर्स्ट टू स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन ऐसा आता है, पर क्लास नहीं ले सकता है, पढ़ के ले सकता है, ले सकता है बट कितना अच्छा नहीं ले सकता है। सब्जेक्ट मास्टर टीचर मीन्स क्या है, सब्जेक्ट मास्टर होना चाहिए, इसलिए ज्यादा टीचर को होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है बच्चा लोग उनका नहीं सुनता है, टीचर मालूम नहीं बच्चा ज्यादा मालूम क्या होता है, ज्यादा बच्चों लोग का उनका नहीं सुनता है। सो टीचर का फिर भी उनका प्रैक्टिस करना, हम लोग का क्या है एग्जाम्पल में कॉलेज पढ़ने का टाइम में पैस्कल कोबॉल बेसिक कैसा था, कॉलेज खत्म होने के बाद में सी प्लस सी आ गया, सब में सी लर्न कर दिया, सी प्लस प्लस लर्न कर दिया, अभी दो साल पहले हमका पी एच पी लर्न करना है, सी एस एस पी एच पी कैसे लर्न करनी भैया 50 साल में ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एज में। सो हम लोग क्या करना, सब्जेक्ट नहीं होगा मैं बच्चों लोग का क्लास नहीं सीख लगता, मैं बाहर जाके 10,000 पे करके सी एस एस पी एच पी लर्न करके बच्चा का टीच कर रहे हैं, मैं सिमिलरली पी ओ टी लर्न करके टीच कर रहे हैं ना, लर्न मीन्स सी एस तरह में एक्सपीरियंस है पूरा निमी हुआ एक्सपीरियंस है, इसलिए हमका मालूम हो गया। सो सब्जेक्ट में हम लोग का कंट्रोल होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नो द स्टैंडर्ड एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द लर्नर, दैट मीन्स नो द स्टैंडर्ड, बच्चों लोग का स्टैंडर्ड क्या है इंडिविजुअली, हमारा 25-20 बच्चे हैं उधर में एक लड़की बहुत स्मार्ट है, दो तीन लड़के वीक है, वो किधर से आया, ये पूरा हमका कल बोला में साइकोलॉजी लर्निंग, साइकोलॉजी उनका क्या कैरेक्टर है कैसे लर्न करेंगे हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं बाद में आपका डाउट्स क्या कहेंगे, अभी नहीं करना, डाउट बाद में करेंगे। टू बी कन्वर्सेंट विद द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मैं क्या टीचिंग करेंगे क्या मेथड देंगे। सो अभी हम लोग बेहतर है वर्चुअल लर्निंग, ये वाला मेथड है इजी मेथड, बिकॉज 300 बच्चे का हम लोग एक बार टीच कर रहे हैं, क्लास में 300 बच्चे नहीं बैठ सकता है ना, मैक्सिमम मेरा स्टूडेंट में 25 स्टूडेंट्स और 30 स्टूडेंट्स मैक्सिमम 40 स्टूडेंट बैठ के मैं क्लास ले सकता है, बाद में नहीं ले सकता है, अभी 300 आदमी बैठ रहे हैं अभी। सो कन्वर्ट मेथड क्या मेथड यूज करेंगे, मैं पूरा अभी ब्लैक बोर्ड यूज कर सकता है, नहीं करता ना ब्लैक बोर्ड यूज करके, और कैमरा करना है कुछ शूट करना है, अभी मैं पीपीटी यूज करना है, कुछ गेम खेल सकता है नहीं खेल सकता है, ये वाला सिंगल वन वे कम्युनिकेशन होगा आपको। सो मेरा क्लास में अलग होता है, मेरा स्टूडेंट्स का मालूम अलग होता है, उनका गेम खेलता है कुछ एक्टिविटी देता है, सो अलग होता है, कुछ ब्लैक बोर्ड यूज करता है कुछ ड्राइंग करता है, इधर नहीं कर सकता है पूरा, ठीक है, क्या सिस्टम क्या ट्रेनिंग सिस्टम देखना है। सो हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक ऑब्जेक्टिव मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव, मेरा मेन क्या है आज का, मेरा सब्जेक्ट क्या है, एम क्या है, एम मीन्स क्या करेगा आज, क्या क्या ऑब्जेक्ट मीन उधर में क्या क्या पॉइंट हम लोग लर्न करेगा, ये वाला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए न्यू बुक्स देखो पहला एम होता है बाद में ऑब्जेक्टिव होता है, वो नहीं होगा ये टीचिंग प्लान नहीं होता है, सब जगह में पहले पॉइंट क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन, क्या क्या एक्टिवेट करेंगे हम लोग, जैसे लेसन प्लान करने के बाद में आप लोग का बोलेगा बच्ची आपको लेसन प्लान करो बोलेगा, कुछ कुछ मेरे क्लास में ऐसे कुछ कुछ लोग लेसन प्लान लेके आया, बाद में बोलेगा ये अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं हम लोग करेक्शन करना है, बाद में सेकंड बार थर्ड बार फिफ्थ बार में वो लोग अच्छा आएगा। सो ये वाला एक्टिविटीज है, कुछ कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल, सपोज प्लान मीन्स अभी ये भी रूबी मिस्टर रूबी बोला सर आपका टाइम नहीं हाफ एन आवर खत्म करना है क्लास, मैं एग्जैक्टली हाफ एन आवर खत्म करना, मेरा प्लानिंग शुड बी ऐसा है, मैं एक क्लास 2 घंटा लेना है मेरा प्लानिंग अलग होता है, एक क्लास में 3 घंटा ले रहे हैं मेरा प्लानिंग अलग होता है। सिमिलरली ये सर एक क्लास आप लेने का टाइम नहीं है ऑनलाइन करो कर सकता है, और पीपीटी नहीं होता है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है और में बात करना पड़ेगा, मैं करंट चला गया क्लास कैसे लेंगे, ब्लैक बोर्ड वाइट चेक करना पड़ेगा। सो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स यू कैन चेंज प्लान, कैन बी चेंज टुडे या टुमारो, डेट चेंज कर सकता है, टाइम चेंज कर सकता है, मेथोडोलॉजी चेंज कर सकता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी सब चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए चेंज करना है। लर्नर्स पार्टिसिपेशन मस्ट बी इंक्लूडेड, इधर में थोड़ा आपका प्रॉब्लम है लर्नर्स का, नॉट एबल टू सब लोग का आपका शेयर नहीं कर सकते हैं, इधर में आपका वीडियो करने से थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग बात कर सकते हैं बाद में, ओके आप लोग एनी टाइम हमका ईमेल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देंगे, नो प्रॉब्लम। प्लान मस्ट बी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लास, एक प्लान हमारा लेसन प्लान क्लास का पहले आना चाहिए, क्लास का करने का पहले आना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। इंस्ट्रक्टर शुड नो व्हाट टू टीच अंडर ईच पॉइंट, ये पॉइंट में क्या एग्जाम्पल देंगे, ये पॉइंट में क्या टीच करेंगे, ये हमका इंस्ट्रक्टर का नहीं होना चाहिए, भूल जाएगा क्या होता है क्या टीच करेंगे भूल जाता है वो, एक एक पॉइंट में क्या एग्जाम्पल देना है उनका समझ में आना चाहिए।
बेसिक प्लानिंग कैन बी यूज्ड सेवरल टाइम्स विद लिटिल मॉडिफिकेशन। सपोज ये लेसन प्लान है, मैं सी एस टर कलकत्ता लेसन प्लान 10 साल का पहले वाला है, 10 साल का पहले ये लेसन प्लान है, वो टाइम ये वाला क्या करता है, वो एच भी बोला ना मैंने आपका एक ट्रांसफर शीट पे लिखता है हम लोग कलर पेपर पे स्केच पेन में कलर मार्क क्या बोलते हैं परमानेंट मार्कर में, मैं घर में अभी तक बेंगलुरु में बोला वो वाला, अभी मैं पीपीटी कर रहा हूँ, अभी मैं हमारा ये वाला पूरा ऑडियो अपना बार्स स्किल्स में आएगा, मेरा ऑलरेडी मेरा वेबसाइट में मेरा क्लासेस है उधर वेबसाइट में, सो ऑडियो वीडियो आएगा। सो हम लोग का ये प्लान बट बेसिक पुराना प्लान है, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज नया चीज आएगा ऐड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, वो एच भी नहीं ऐड कर सकता है उधर में, पूरा चेंज करना मॉडिफिक करना हम लोग का बोल रहे हैं, अभी तक बोल रहे हैं एवरी डे हम लोग लर्न करना है, कल नया टेक्नोलॉजी आएगा लर्न करना है, अभी आर प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हैं, अभी पैथन मेरा फ्रेंड टीच कर रहे हैं उनका लर्न करना शुरू कर रहे हैं। सो हम लोग का चेंज करना है, मेथोडोलॉजी चेंज करना है, एनी टाइम रेडी करना है, कुछ ऐड कर सकते हैं कुछ रिमूव कर सकते हैं, बट बेसिक प्लान ये वाला है, पूरा ये वाला है, उधर में थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्शन होता है। फोर स्टेप मेथड कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ये फोर स्टेप मेथड है, ये टीचर का बाइबल है फोर स्टेप मेथड, मैं आपका बोलेंगे ये टीचर का फोर स्टेप नहीं मालूम होगा वो टीचर नहीं है, बाइबल फॉर टीचर फोर स्टेप मेथड मैं आपका बोलेंगे, स्टेप्स ऑफ लेसन, फोर स्टेप्स ऑफ लेसन लेसन प्लान। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। सेकेंड वन इज प्रेजेंटेशन, कैसे बात कर रहा है, कैसे टीच कर रहा है मैं, प्रिपरेशन मीन्स मेरा पीपीटी क्या है, कैसे प्रिपेयर किया, प्रेजेंटेशन कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा है, एप्लीकेशन किधर एप्लीकेशन यूज कर रहा है, किधर हम लोग यूज कर रहे हैं वाला, एंड बाद में एवोल्यूशन टेस्ट, एवोल्यूशन पहले मीन्स प्रिपरेशन वाई क्यों प्रिपेयर करना है, टेल एंड शो प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करना है, टेल एंड शो ऐसा ऐसा बोलना है, अच्छा देखना है, एप्लीकेशन आपका क्वेश्चन देंगे आंसर लेंगे, आप किधर यूज करेंगे ये वाला एप्लीकेशन किधर यूज करेंगे आपको, बाद में उनका पेपर लेके उनको देंगे एग्जाम में क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास मेरे पास बच्चे 20 बच्चे हैं क्लास लेके चला गया, अभी मैं क्या थिंक करते हैं सब लोग का अंडरस्टैंड हो गया, थिंक करते हैं कैसे हमका अंडरस्टैंड मालूम हो गया, ये क्वेश्चन दे, मैं बोला ना कम्युनिकेशन में बोला मैं क्लास ले लिया सब लोग ऐसे बैठा, बाद में क्वेश्चन दे दिया सब लोग ऐसे बैठ रहे हैं समझ में नहीं आया उनको, सो आप क्या करना है क्वेश्चन देना है, कैन अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन दे दो रिपीट करो, बाद में सब लोग आने बाद में एक टेस्ट दे दो, टेस्ट रिपोर्ट लेके एवोल्यूशन करो, मीन टेस्ट चेक करो, बच्चे लोग कुछ बच्चे लोग जीरो आ रहे हैं, सब बच्चे का 70% 80% आ रहे हैं, ठीक है सब बच्चे का 10-20% आ रहे हैं, देन आपका टीचिंग का प्रॉब्लम है, क्यों हो गया, एक दो आदमी फेल हो गया ठीक है, पूरा क्लास फेल होगा क्या होता है, कौन का प्रॉब्लम है, टीचर का प्रॉब्लम है, क्यों मैं अच्छा टीच नहीं किया, कितने में कुछ प्रॉब्लम है, एक दो बच्चे लोग फेल होगा ठीक है कुछ का प्रॉब्लम होता है, उनका घर में प्रॉब्लम है कुछ नहीं पढ़ा है फेल हो गया, बट पूरा क्लास फेल हो गया कौन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा टीचिंग का फॉल्ट है, क्यों फॉल्ट है, मैं एप्लीकेशन देखा नहीं है, एवोल्यूशन देखा नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, मेरा प्रिपरेशन प्रॉब्लम है, ये वाला पूरा ये टीचर का बाइबल है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एवोल्यूशन। प्रिपेयर मीन्स हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास लेने को, प्रेजेंटेशन कैसे क्लास ले रहे हैं, डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन किधर है बच्चों लोग क्या कर रहा है यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देखना है हमें, यूज करने के बाद में वो लेके आपका टेस्ट करना है कैसे किया, लोग समझ में है ना, वो यूज कर रहे हैं देख रहा है हमें, उनका आउटपुट लेके चेक करना है मेजर करना है ये टिक है नहीं टिक है, मेजर करने के बाद में ये 10% टिक नहीं है ये पूरा गलत है आपका उनका समझ में आना चाहिए, बाद में वो रिपीट करेगा, ये प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन एप्लीकेशन एवेल्यूएशन ये माइंड में सब टाइम आपका रिमेम्बर करना, सपोज आप लोग टीचर होना चाहिए 100%। अभी देखेंगे प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, अरोस इंटरेस्ट एंड क्रिएट डिजायर फॉर लर्निंग, पहले में क्या करना है क्लास लेने का पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सब लोग ऐसे बैठ के देख रहा है क्लास में, आप लोग हीरो आएगा रविता बच्चे रजनीकांत आएगा ना स्पर्श कैसे करता है, रजनीकांत आने का टाइम ऐसे करता है ऐसे ऐसे करके ऐसे करता है, सब लोग देखते हैं रजनीकांत क्या कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन आएगा सब लोग देखते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करना पहले क्लास से इंटरेस्ट आना चाहिए, अदरवाइज आप आने टाइम सब लोग मोबाइल देखता है ऐसे ऐसे व्हाट्सअप देखते हैं, कुछ लोग सोते हैं कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग लाफिंग करते हैं, दैट मीन्स आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, पहले प्रिपरेशन इंटरेस्ट क्रिएट स्टोरी बताना है कुछ करना है, शो द एक्चुअल आइटम फॉर टीचिंग एड्स, सपोज कंप्यूटर टीच कर रहे हैं आपको, एक कंप्यूटर का छोटा ये वाला कंप्यूटर भैया ये वाला
अभी देखो एलकेजी यूकेजी में क्या हो रहा है, घर में जाने का टाइम भी अभी देखो, पहले हम लोग पढ़ने का टाइम में कुछ पिक्चर नहीं था, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, उनका ये एप्पल से आता है बी बॉल से आता है, हम लोग का ये बाद में एप्पल आता है, सब स्कूल में जाइए एलकेजी यूकेजी प्री केजी में पूरा एक्चुअल पूरा पिक्चर्स आता है उनका, बच्चे का पिक्चर्स देखता है वो, उनका मालूम नहीं एप्पल क्या है, वो ये एप्पल विजुअल में आता है हम लोग को, पहले ये लर्न करने के टाइम में। अभी अब हम लोग का आपका एरोप्लेन बहुत कर रहे हैं, अब एरोप्लेन देखा नहीं, मैं क्या करना है एरोप्लेन का मॉडल और एरोप्लेन का उज्जवल नहीं आता है, देखो भाई एरोप्लेन है ये वाला पीछे विंग्स आता है, ये बैक में ये वाला टेल है, ये नीचे व्हील्स है, बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, उज्जवल ऑब्जेक्ट लेके एक्सप्लेन करना है आपको, ये वाला मोबाइल है, ये वाला स्क्रीन है, ये वाला एप्लीकेशन इधर आएगा इधर सेटअप करेगा, ये वाला आपको देखना पड़ेगा उज्जवल आइटम और मॉडल, बड़ा भी छोटा छोटा मॉडल, देन वो देखने के बाद में बच्चों का इंटरेस्ट आएगा, स्कूल आने टाइम बच्चे देखते हैं या फिर क्या है ये वाला है क्या वाला है, देखने के बाद में बहुत इंटरेस्ट आता है। ओके देन शो द नीड फॉर लर्निंग नी सब्जेक्ट थियरी और प्रैक्टिकल, ये वाला क्यों चाहिए, नीड फॉर लर्निंग क्यों लर्न करना है आप लोग, हमको जरूरत नहीं भैया क्यों लर्न करना है, ये लेसन प्लान जरूरत नहीं है, सब लोग क्या करेगा, जरूरत नहीं थोड़ा सा बैठेगा, क्यों जरूरत है, एक्सप्लेन विथ अनालॉजी एग्जाम्पल, अनालॉजी स्टोरी, मैं बोलता है स्टोरी बोलता है, स्टोरी से शुरू करना है, स्कूल बच्चे कैसे पढ़ता है, वो छोटा बच्चे लोग का एबीसीडी मालूम है, उनको मालूम है गेम्स खेलता है, देखता है क्या ये वाला क्या है, पिक्चर आ रहा है मूवी आ रहा है, ये वाला रजनीकांत आ रहा है अमिताभ बच्चन आ रहा है, उनको बोल रहा है क्या ऐसे करता है, पिक्चर बॉल आ रहा है, ये खाना का आइसक्रीम आ रहा है, उनका आइसक्रीम कैसे मालूम है उनका, वो आइसक्रीम ये ताजमहल ये एप्पल डायग्राम आना चाहिए, उनका पहले एक्सप्लेन करना है, स्टोरी बताना है उनको, इंटरेस्ट रहेगा एरेंज करना है, देन हम सब लोग ऐसे बढ़ता है, एक्सप्लेन विद अनलाइक मीन्स एक कुछ एग्जांपल या कुछ स्टोरी ऐसे बोलना है, टेल व्हाट दे वांट टू दे आर गोइंग टू लर्न, वो क्या लर्न करना है, वो क्या लर्न करेगा पहले बोलना पड़ेगा आपको, टेल द स्टोरी कनेक्टेड विद द लेसन, यदि कम्युनिकेशन में बोला कम्युनिकेशन में कब आएगा, अभिमन्यु का स्टोरी बताया हमें, बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक लड़की सुसाइड कर दिया बोला हमें, एक एक क्लास में एक एक एग्जाम्पल दे रहा है हमें, सब्जेक्ट रिलेशन आकर जा रहा है, सो आज का स्कूल टीचर कैसे करेंगे बच्चों का बॉल ऐसे करता है ऐसे करता है, टेल द स्टोरी कनेक्टेड टू द रीजन, रिवाइज रिकॉल प्रीवियस नॉलेज, कल का क्लास रिवाइज करना सब टाइम में, रिवाइज करके रिकॉल कल आप लोग ये लर्न कर दिया, आज क्या लर्न करना है, कल ये करना है कल ये क्या गया ऐसा हम लोग लर्न करना है, ये वाला प्रिपरेशन फर्स्ट फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन, ठीक है बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे मैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज थ्योरेटिकल विद द न्यू मीनिंग क्वेश्चनिंग बाय एग्जांपल, क्लास आने पहले अब मैं कल कम्युनिकेशन क्लास लिया, अब बोलो कम्युनिकेशन क्या मीनिंग है, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन क्या है ये और क्या है, बच्चों को क्वेश्चन देते हैं हम लोग आने के बाद में, क्लास शुरू करने का पहले बच्चे का हम लोग क्लास प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन देता है, क्यों क्वेश्चन देता है, बच्चों का एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग, तो मींस रेडी कर रहे हैं, या टू रेडी क्वेश्चन दे रहे हैं, पर क्या है मींस बोलो सर, बाद में सब लोग रेडी होगा, सब लोग का अटेंशन होगा, बाद में क्लास शुरू करते हैं, सिमिलरली नीचे वाला नीचे मीन लास्ट क्लास का कल का क्लास लेके आपका रिमेम्बर कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देंगे मैं आंसर देंगे दूसरा बच्चे का मालूम क्या हो रहा है, एक आंसर देगा दूसरे बच्चे का मालूम क्या हो रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए है मैं बाद में क्लास लेंगे, सो ये वाला क्या होता है क्वेश्चन करेंगे बच्चों लोग का एक्ट रेडी होता है वो लोग रेडीनेस प्रेजेंटेशन टाइम में रेडी होना चाहिए, टीच स्टेप बाय स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस, में बोला ना पहले स्टेप को सेकंड थर्ड स्टेप में, कल बोला वो भी लास्ट वीक में बोला कुकिंग करने के टाइम में भिंडी फ्राई पहले ऑयल दिखे गर्म करके बाद में हम लोग सफा करके क्या होता है ऑयल बर्न होता है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है सेकंड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप ऐसे सीक्वेंस आना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल थियरी हो, मैं अभी फोर्थ स्टेप बात करके बाद में फर्स्ट स्टेप आ सकता है, नहीं है ना फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन करना है, सॉरी प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन करना है प्रेजेंटेट करना है, इवोल्यूशन से नीचे रिवर्स नहीं आता हम लोग पहले से आना चाहिए, एक्सप्लेन एंड शो क्लियरली इन ट्रेनी मस्ट अंडरस्टैंड, सब ट्रेनी सब ट्रेनी का अंडरस्टैंड होना चाहिए, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ट्रेनिंग को मैं समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं, यूज सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं मेरा लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, जनरल हिंदी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर आने के बाद में सिंपल, मेरा कॉम्प्लेक्स मैं यूनिवर्सिटी हिंदी करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी इंग्लिश करने की जरूरत नहीं, सब लोग ज्यादा मीन ये लिटरेचर नहीं बात कर रहे हैं सिंपल क्लास बात कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज उधर जाना पड़ेगा,
ऑलवेज मेक क्लियर व्हाट व्हाई एंड हाउ, व्हाट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है एंड कैसे करेंगे, व्हाट क्या क्यों कैसे, ये वाला सब टाइम में ये तीन में आपका माइंड में आना चाहिए. ऑलवेज यूज टीचिंग एड्स मीन्स रियल ऑब्जेक्ट मॉडल चार्ट्स एंड चार्ट्स. मैं आने के बाद में पूरा एनएसटी इंडोर में पूरा चार्ट्स रख दिया, पहले कितना चार्ट्स नहीं था. आपका बच्चे आने का पहले मालूम होना चाहिए क्या वाला है. चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल मॉडल इंपॉर्टेंट है. सी एस्टर का करता है, निवी में मॉडल सकते हैं, लोग बाहर में अपेक्स में मॉडल्स हैं, मॉडल्स होना चाहिए. मॉडल मीन्स ओरिजिनल, एक बड़ा फ्लाइट है छोटा फ्लाइट करके वाला ऐसे करते हैं. ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स प्रोजेक्टेड एड्स ड्राइंग्स एक्सेट्रा ड्राइंग्स एड्स सब आप लोग का हेल्प करना है क्लास लेने को. आस्क क्वेश्चंस एवरी नाउ एंड देन चेक अंडरस्टैंडिंग. 10 मिनट्स के बाद अभी नाम का नहीं दे सकता हमें, 10 मिनट्स के बाद क्या गया समझ में आ गया, रिविजन करो सब लोग का. क्वेश्चन करेंगे क्या होता है, सब लोग एक्टिव होता है, अदरवाइज हो जाता है पूरा. ये एक्टिवेट करना बच्चों को ऑटोमेटिक में क्या होता है, उन लोग का लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग में आएगा, क्लास में प्रेजेंट हो जाएगा. ये वाला प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड सेकंड स्टेप ऑफ लेसन, ये वाला लेसन प्लान है. थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स क्या है, कितने हम लोग यूज कर रहे हैं वो. सपोज मैं एग्जाम्पल देंगे, मेरा वाइफ बैठ के टीवी में कैसा हलवा करना है, कैसा हलवा करना है, ये कुकिंग में प्रोग्राम चलता है टीवी में, वो बोलता है ऐसे करो, ये केजी ये केजी वन केजी हाफ केजी ऐसे करके सब बोल रहे हैं. ये लिख के पॉइंट लिख के देखे हैं, ले बाहर से लेके आता है, यूज करता है. अभी यूट्यूब में सब लोग यूट्यूब में है, यूट्यूब देख के कुकिंग करता है, 100% आएगा नहीं आएगा ना. देखेंगे इजी होता है, मैं बोला स्विमिंग में बोला देखेंगे बहुत इजी होता है, करने का टाइम में एप्लीकेशन में सब नहीं आएगा. एप्लीकेशन मीन कैसे लर्न करेगा, मैं बोला ना स्विमिंग करने को, कार ड्राइविंग करने को, कार ड्राइविंग पे अभी ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग में पूरा सैंपल ड्राइविंग वाला आता है करके बाहर रोड में आएगा टाइम में ये कार भी सरनली आएगा. उधर में प्रैक्टिस टाइम में हम लोग का सरनली आदमी नहीं आएगा, वो फ्री रोड में लेके जाता है ना. अभी हम लोग का जीरो ट्रेनिंग में चार बच्चे एक गाड़ी स्कूटर पीछे आएगा, साइकिल वाला आएगा, ऑटो स्टार्ट में आएगा. देखो ये वाला रियल एप्लीकेशन है, ये क्लासरूम एप्लीकेशन नहीं है. स्विमिंग रियल एप्लीकेशन है, स्विमिंग पूल लर्निंग रिवर लर्निंग अलग होता है. स्विमिंग पूल आप ट्यूब पकड़ के कितना हाइट है सब लोग कर सकते हैं, रिवर जाके ऐसे कर सकते हैं आप लोग नहीं. सो ये वाला इंपॉर्टेंट है. लर्नर शुड प्रैक्टिस और इमिटेट न्यू नॉलेज ऑफ स्किल. इमिटेशन मैं कल बोला साइकोलॉजी, पहले मास्टर कैसे कर रहे हैं दिस कैन बी डन डूइंग प्रैक्टिकल जॉब. प्रैक्टिस करने का टाइम में आंसरिंग क्वेश्चंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स करने का टाइम में मैडम टीचर और मम्मी ये नहीं आ रहा कैसे करेंगे, वो बोलेगा ऐसे करो बेटे ऐसे करो बोले बोलता है. प्रैक्टिस कल करने का टाइम, प्रैक्टिस करना टाइम. हम लोग क्रिकेट खेलने का टाइम क्रिकेट देखता है ना, सचिन तेंदुलकर सिक्स मार रहा है, अभी विराट कोहली भी रोहित शर्मा सिक्स मार रहा है, तो बहुत इजी है बॉल सिक्स मार सकता है बोलते हैं हम लोग बैठ के. सिक्स इजी बॉल सिक्स कर सकते हैं, आपका बैट दे दो बॉल दे दो सिक्स मारेगा नहीं मारेगा ना. रोहित शर्मा मार सकता है, हम लोग नहीं मार सकते ना. सो बात करने का ईजी है, प्रैक्टिस करने का, उधर सिक्स मारेगा उधर जाने का बाद में हमको समझ में आता है मैं क्रिकेट प्लेयर है इसलिए मालूम होगा. बॉल भैया इजी बॉल मारो सिक्स मारो बोलता है ये सर नो, उनका मालूम है सिक्स मार सकता है नहीं मार सकता है, उनका टेंशन है फेस आ रहे हैं बहुत फेस आ रहे हैं स्पिन कर रहे हैं बॉल ट्राई एंगल 40 degrees में आ रहे हैं कीपर शॉट कर रहा है पीछे से मेंटल साइकोलॉजी इफेक्ट है सब उधर में प्रॉब्लम आएगा. देखो ये वाला एप्लीकेशन पर पुट क्वेश्चंस करेक्टली और गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉब. क्लियर इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन करेक्टली, क्वेश्चन करेक्ट मीन्स एग्जैक्ट क्वेश्चन. इंस्ट्रक्शन ऐसे करना भैया स्टेप ये वाला हमको बोर्ड में लिखना है, ये करो ऐसे कटिंग करो ऐसे स्टिचिंग करो 1 2 3 स्टेप्स बोर्ड में लिख के उनको देना है. करेक्ट आंसर करेक्ट इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. लर्नर मस्ट बी करेक्ट मेथड, लर्नर मस्ट यूज सही मस्ट यूज करेक्ट मेथड. मेथड बहुत मेथड होता है, करेक्ट मेथड एग्जैक्ट मेथड यूज करना है, शॉर्टकट नहीं यूज करना है, देन ओनली उनका आंसर शॉर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर समझ जाइए. गाइड एंड हेल्प ईच लर्नर व्हेन द आंसर इज आंसरिंग और डूइंग द जॉब. गाइड वो करने का टाइम भैया ऐसे नहीं करना ऐसे करो ऐसे करो गाइड करना है बेटा ऐसे नहीं करना पढ़ो एक्सप्लेन करना है गाइड करना है. गाइड मीन्स उनका बोलना है ये वाला अच्छा नहीं ये वाला करना है ऐसे करना बोलना है. अलाउ द ट्रेनी टू पुट क्वेश्चंस मेक टू अंडरस्टैंडिंग क्लियरली.
बोलो भैया यदि डाउट है, अभी डाउट बोलेगा, आपका डाउट आने के बाद में क्लियर करेंगे। मेरा क्लास दो तीन आदमी बच्चा बोल रहे हैं कल का परसों क्लास के, ए वाला क्या है, ए वाला क्या है, मैं उनका आंसर दे दिया व्हाट्सएप में दे दिया। सी आपका डाउट आएगा ना, इमीडिएटली आपका क्लैरिफाई नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगा, बाद में आपका टेंशन हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। पहले आपका डाउट का क्लैरिटी होना चाहिए। आपका भेज दो व्हाट्सएप में, भेज दो नंबर देंगे मैं, व्हाट्सएप भेज दो, पूरा क्लैरिटी देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स अभी एप्लीकेशन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस में करने के बाद में मेस कर रहे हैं। अभी मेरा वाइफ को अलवा कर दिया, टेस्ट कर रहे हैं आप काके जो कैसे है, मैं का कर रहे हैं अच्छे रहे ये टेस्ट, समझ में आ रहा है। अलवा वाइफ कर रहे हैं, वो टेस्ट करने का मैं एवोल्यूशन चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या करें आप बोल के सीट ज्यादा है, नमक ज्यादा हो गया, सीट ज्यादा नहीं है, ये टेस्ट अच्छा नहीं है, ये बोल रहे हैं। ये वाला एवोल्यूशन, बच्चा कैसा पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा, 90% आ गया, 99 आ गया, क्या गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया, ये चेक करने के बाद में क्वेश्चन पेपर आंसर में दे दो, वो देखेगा क्या गलत किया मैं। सी पहले हमको मालूम है मैं क्या कर रहा है, टीचर का मालूम है मैं क्या किया। सपोज मैं क्लास लेने के बाद में मैं दिक्कत करता है, सब बच्चे क्या करता है, हमका फीडबैक कौन है, हमका कौन है रिपोर्ट, हमका कौन का मार्क दे रहा है, आप लोग दे रहे हैं सर क्लास अच्छा नहीं है, वो एक दिन हमका क्लास सीएसएस में प्रॉब्लम हो गया, मीन्स न्यूज शेयर में हमका प्रॉब्लम हो गया, बोल रहे हैं सर अच्छा नहीं है, यस हमका मालूम है, कौन फीडबैक देंगे, मैं चेक करेगा हाँ मेरा क्लास अच्छा है, कौन आप लोग बोलना है सर आपका क्लास अच्छा नहीं है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो बोलना, मेरे बच्चे बोलते हैं, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं हमको सर ऐसे करो बोलते हैं, आप इंग्लिश ज्यादा आ रहा है, इंग्लिश हिंदी में ज्यादा बात करो बोलता है, कुछ बोला सर समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल दे बोलते हैं, रिविजन करो बोलते हैं, यस आप लोग हमका एवोल्यूशन का एरर एवोल्यूशन आप लोग कर रहे हैं। इफ ए लर्नर हैज टू लर्न व्हाई ही हैज नॉट लर्न, व्हाई ही हैज नॉट लर्न, सपोज आपका ट्रेनिंग का लर्न नहीं किया, हमको होना चाहिए क्यों लर्न नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो क्या प्रॉब्लम उनको, रीजन क्या, पर्सनल रीजन है, फैमिली रीजन है, कुछ क्या है, हम लोग देखना पड़ेगा। व्हाट वन ऑफ द रीजन ऑफ डिफेक्ट्स, क्यों वो लर्न नहीं किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टीचर का प्रॉब्लम है और बच्चे का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इज इट ड्यू टू ट्रेनिंग और डिफेक्ट्स ऑफ द टीचिंग। सी सब लोग का फील हो गया, मीन क्या का प्रॉब्लम, कौन का प्रॉब्लम है, टीचर का प्रॉब्लम है, टीचिंग के मेथड का प्रॉब्लम है, एक दो आदमी फील होगा उनका मालूम होगा उनका प्रॉब्लम है। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, अंदर में सॉरी 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे 70-80 मार्क्स ले रहे हैं, 10 बच्चे फेल हो रहे हैं, दो तीन बच्चे फेल हो रहे हैं, हमको समझ में उनका क्या प्रॉब्लम है। सपोज पूरा क्लास फेल हो गया क्या होता है, हमको थिंक करना, प्रिंसिपल पकड़ता है टीचर को, बेटा आपका क्लास में क्यों फेल हो गया, सब लोग को देखता नहीं देखता है, ये वाला आपका डिफेक्ट करना है, आई मीन डिफेक्ट लर्न करना पड़ेगा। व्हाट चेंज इन लेसन एंड टीचिंग मेथड्स नेसेसरी, इस टारगेट ऑफ लेसन वेल डन, मेरा लेसन प्लान चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में मेरा क्लास चेंज कर सकते हैं, क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सो ये वाला एवोल्यूशन पार्ट है। एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान लेके आपका एडवांटेज क्या है, लेसन प्लान फॉर्मेट्स ये रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी इन ए क्लास और शॉप फ्लोर, ये लेसन प्लान आपका फॉर्मेट है, आपका गाइड है। अभी देखो न्यू बुक्स में थ्योरी प्रैक्टिकल आने के टाइम में इस चैप्टर गाइड कर रहे हैं, आप देखना पड़ेगा, हम लोग बुक लिखा इसलिए मालूम है, थ्योरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट टेस्ट असाइनमेंट, एक इंस्ट्रक्टर गाइड है, वो क्या है, वो लेसन प्लान है पूरा, क्लास लेने को वो सिमी निमी इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ो ना, अच्छा टीचिंग हो जाएगा आपको, कैसे टीच करना है क्लास, उनका पास क्लैरिटी है बुक में, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा इसलिए मालूम है, एक क्लास में आप लोग क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्टर गाइड में पूरा है उधर में। Is the guide material for the instructor teacher teach in a sequential manner by teaching in the class of teach sequential manner means pehle class dekho main ye class chhod ke 10 tak 10th class lenge acha nahi hota hai sequence aana chahiye bol rahe hain ye sequence wo ye udhar mein ye bible or instructor guide or lesson plan mein mil jayega it gives confidence to the instructor to teach ye ppt nahi hoga hamka kaam nahi hota hai bhul jata hai main sab log bolta hai ppt kya hota hai na ठीक है, कुछ लेसन का कॉन्फिडेंस मिलता है।
मेमोरी लेके आए, मेमोरी लेके पूरा मेमोरी में बैठना भाई, कुछ कम्युनिकेशन कुछ क्लास ऐसे बात कर सकते हैं, थाउजेंड टाइम्स ले लिया हमें, कुछ ही क्लास ऐसा चाहिए हमको. इट टेल्स द इंस्ट्रक्टर टीचर टू यूज टीचिंग एड्स एंड अदर मटेरियल एट अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरिंग द लेसन डेवलपमेंट. ये लेसन प्लान होगा, आपको मालूम होगा कब यूज करेंगे, एग्जाम्पल कब आपका स्टोरी बताना है, कब आपका पॉइंट देना है, आपको पूरा आपका समझ में आएगा. ठीक है, आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, सब लोग आपका ट्रेड में एक लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है, आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे भेजता है बाद में, सब लोग मेरा बच्चे करते हैं, हमको एनएसटी इंदौर बच्चे लोग करते हैं, मैं चेक करते हैं. इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एंटायर क्लास एक्टिविटी. ये लेसन प्लान लेके एक्टिविटी सब लोग का पार्टिसिपेशन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज पार्टिसिपेशन नहीं होगा. एक में से क्लास लेते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं, कुछ लोग रोते हैं सोता है, कुछ लोग ऐसे घूमता है. सो पार्टिसिपेशन एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग, एक्टिव कर सकते हैं, ये एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान है. डिसएडवांटेज क्या है, ये प्लान आर नॉट रिवाइज्ड. मेरा पीपीटी पुराना पीपीटी है, आउटडेटेड है. आप क्लास ले सकता है, मैं पुराना क्लास लेता है, मैं सिलेबस आउटडेटेड है, मैं पुराना सिलेबस लेके आप पढ़ रहा है. अभी देखो पीओटी चेंज हो गया, सिलेबस एम्प्लॉय स्किल्स चेंज हो गया, तो मैं पुराना क्लास ले रहा है, क्या होता है हमको ऐसा ना. मेरा पीपीटी मेरा लेसन प्लान शुड बी अपडेटेड. मैं इसलिए कि मैं 20 साल का पहले लेके क्लास ऐसे लेके आएंगे ना, गलत होता है. अकोमोडेट न्यू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. इनएफेक्टिव एंड ऑब्सोलीट इंस्ट्रक्शन मीन्स इफेक्टिव नहीं होता, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होता है, ऑब्सोलीट आउटडेटेड होता है. देयर विल बी टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर टू रीड आउट द प्लान क्लास रेदर देन डिस्कशन. मैं जरा देखा टेनिस देखा, मैं टीचर्स ऐसे रीड करते हैं, इट प्लान्स आर नॉट ऐसे रीड करके जाते हैं घर. मैं देखा उनका मेरा क्लास मेरा स्टोरीज में देखा, ये पीपीटी ऐसे रीड करके जाता है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, कुछ एग्जाम्पल नहीं देता है, रीड करके जाता है. सो कुछ टीचर उनका टाइम नहीं है, ऐसे बोलता है, उनका टाइम नहीं बोलता है. ले लो टाइम ले लो, ये क्लास दो दिन ले लो, क्या प्रॉब्लम है, एक घंटा क्लास दो दिन ले लो. अच्छा समझ में आना चाहिए बच्चे को, ये इंपॉर्टेंट है ना. सो दी देर बी टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर टू रीड आउट, ऐसा रीड करके जाता है, वो अच्छा नहीं है. एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करना है. प्लान इज अ गाइड एंड शुड नॉट बिकम अ क्रंच. ये प्लान गाइड है, ये पूरा सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट पूरा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाला ओनली गाइडलाइंस है, ये ओनली पॉइंट्स है. सो सब लोग ऐसे बात करके नहीं जाना है, एक्सप्लेन करना है, एक पॉइंट में हम लोग एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट में स्टोरी बताना है, कुछ प्रैक्टिकल देना है. सपोर्ट फॉर वॉकिंग, ये वाला सपोर्ट हमका, ये स्टिक कैसे ऐसे सपोर्ट है लेसन प्लान. पूरा सब्जेक्ट इधर नहीं है, सब्जेक्ट अलग है, ये पॉइंट से हम लोग सब्जेक्ट बात करना है, ये वाला डिसएडवांटेज. अभी एक मॉडल दे रहा है लेसन प्लान कैसे होता है. जनरली पहला ट्रेड, क्या ट्रेड, देन क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, वीक मॉड्यूल क्या है, यूनिट नंबर क्या है, आज का डेट है, टाइम कितना टाइम, दो घंटा एक घंटा तीन घंटा है. पहले स्टेप प्रिपरेशन स्टेप क्या, प्रिपरेशन क्या होता है, टाइटल होता है, आज का टाइटल क्या है, आप एबिलिटी क्या है, क्या क्या लर्न कर रहे हैं हम लोग, उनके बाद में टीचिंग एड्स क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, बाद में कैसा मोटिवेशन करेंगे बच्चे का, क्या एग्जाम्पल देंगे, कैसे मोटिवेशन करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, रिविजन बाद में रिविजन कैसे करेंगे, रिविजन मीन प्रीवियस रिविजन, अभी नहीं है, कल का क्लास ऐसे ले लिया, आज कैसे कर रहे हैं, ये वाला आपका लेसन प्लान फॉर्मेट है. मैं एक लेसन प्लान देंगे एग्जाम्पल, वो एक कंप्यूटर वाला एड्रेस वाला. पहले नेक्स्ट वन प्रेजेंटेशन स्टेप, प्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन शॉर्ट इंफॉर्मेशन स्पॉट हिंट्स मीन एग्जाम्पल क्या देंगे. एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, उनके बाद में समराइज रिविजन करना है, उनके बाद में टेस्ट एवेल्युएशन देना है, टेस्ट में टेस्ट करना है, उनके बाद में असाइनमेंट कल का आप लोग ऐसे करके कल का होमवर्क, असाइनमेंट होमवर्क कल लेके आए भैया आप लोग बोलता है, उनके बाद में कल में क्या लेसन ले रहे हैं, नेक्स्ट लेसन क्या ले रहे हैं. ठीक है, नाउ देखो मॉडल लेसन प्लान. कोपा ले लिया एग्जाम, कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा है मैं, एग्जाम्पल कंप्यूटर ले लिया एक्ट्रेस मॉडल में, पूरा दूसरा सभी का मॉडल नहीं, फिर भी मैं एग्जाम्पल दे अब भेज दो, मैं चेक करके भेजता हूँ. कोपा यूनिट नंबर वन सब्जेक्ट कंप्यूटर, डेट आज का डेट है, एक घंटा का क्लास है, प्रिपरेशन स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आज का सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आज का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. ऑब्जेक्टिव, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन
ट्रेनी शैल बी एबल टू, ये लेसन बनाने के बाद में बच्चा क्या क्या कर सकता है, डिफाइन कंप्यूटर एंड स्टेट यूजेस, वो लोग बच्चा क्या कर सकता है, कंप्यूटर का डेफिनेशन बोल सकता है, किधर 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 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो बोल सकता है। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है हार्डवेयर क्या है उनका समझ में आता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं वो लोग। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स हैं वो लोग देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मॉनिटर ये कीबोर्ड ऐसे बात कर सकते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या करता है वो लोग बोल सकते हैं। ये लेसन का खत्म होने के बाद में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्टिव इधर लिखना पड़ेगा, क्या क्या कर सकता है, ये प्रिपरेशन स्टेप है। देन ट्रेनिंग एड्स, क्या क्या ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं हम लोग, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, मार्कर पेन यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग वर्चुअल क्लास यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर पीपीटी यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, ये वाला पूरा आपका ट्रेनिंग एड्स क्या क्या चाहिए, और लाइव मॉडल लेके आ रहे हैं, लाइव कंप्यूटर देखे, ये वाला कंप्यूटर भैया, ये वाला मॉनिटर भैया, हम लोग कर सकते हैं लाइव मॉडल, लाइव ओरिजिनल कंप्यूटर और मॉडल छोटा मॉडल कंप्यूटर लेके आ रहे हैं। मोटिवेशन इंटरेक्शन रिव्यू, मोटिवेशन पहले मालूम है कंप्यूटर क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर अभी कंप्यूटर नहीं होगा हम लोग, अभी मोबाइल कैसे होगा, मोबाइल होगा हम लोग नहीं सुनता है, टेंशन हो जाएगा, एक दिन इंटरनेट नहीं होगा आपका टेंशन हो जाता है, सब लोग को मेरे बेटी की छोटी बेटी की टेंशन होता है इंटरनेट नहीं होगा, डेली देखता है मोबाइल क्या है, कितना स्टेक में हम लोग का भगवान दे दिया मोबाइल दे दिया हमको, अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या क्या यूज है कंप्यूटर अभी हमको, कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल करना, स्कूल में कैसे यूज करते हैं, कॉलेज में कैसे यूज करते हैं, बैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी क्या कर रहे हैं, मिलिट्री में क्या कर रहे हैं, ऐसा हम लोग पहले मोटिवेशन करना बच्ची को, कंप्यूटर देखो कैसे कर रहे हैं, ये वाला रिविजन और इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन टू द ट्रेनिंग्स। अभी प्रेजेंटेशन स्टेप, फर्स्ट वाला डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या करना है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट डाटा प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट आउटपुट। डिफरेंस क्या है, कंप्यूटर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो डिवाइस है, डाटा लेके कॉलकेशन करके वापस हमको आउटपुट देता है, डाटा 10 डाटा देता है, एग्जाम्पल हम लोग का मार्क लिस्ट बन रहे हैं, 10 स्टूडेंट का मार्क लिस्ट बन रहे हैं, हम लोग 10 स्टूडेंट का एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 10, अभी हमका कौन फर्स्ट रैंक मिल गया हमका समझ में आएगा, कौन फील हो गया समझ में आ जाएगा, ये वाला आउटपुट बोलते हैं हम लोग। इनपुट क्या बोलता है, ये 10 डाटा दे रहा है, एग्जाम्पल एबीसीडी 10 डाटा दे रहा है, आउटपुट क्या होता है, हम कॉलकेशन करने टाइम में कितना आदमी पास हो गया, कितना आदमी फेल हो गया, क्या कौन कौन फेल हो गया, कौन कौन हाईएस्ट मार्क मिल गया, फर्स्ट रैंक कौन मिल गया, सेकंड रैंक कौन मिल गया, ये पूरा आउटपुट बोलते हैं। ओके, देन स्मार्ट थिंग्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम मॉडल के, ये वाला कंप्यूटर भैया बोलना पड़ेगा, प्रोजेक्ट यूज करना, ये वाला देखो प्रोजेक्ट में हम लोग कंप्यूटर डायग्राम करके प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या है, हार्डवेयर क्या क्या है, आपको समझ में आता है मैं बोलेगा आपको, ये वाला स्मार्ट थिंग्स हम लोग का पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉर्ड करना है। सेकेंड पॉइंट, यूजर्स क्या यूज कर रहे हैं, एज ए डाटा प्रोसेसर इट कैलकुलेट्स फास्ट, स्टोर्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, use it for communication purposes worldwide, other important uses like reservation of bus, train, other things, bank. Say we hum log ka aaj ka temperature kitna hai, abhi hum log sab log ka world mein kitna aadmi ka corona virus mil gaya, indoor mein 300 plus aadmi hai indoor mein, almost 35 aadmi mar gaya, pura hum ka computer mil rahe hain, net mein mil rahe hain, abhi ticket flight hai, ticket train ticket ready hai, book kar sakte hain, abhi online mein book karke khana kha sakte hain, ye pura hum log explain kar rahe hain users ke liye kar rahe hain। मोबाइल इज कंप्यूटर, इज माइक्रो कंप्यूटर, बस दोनों में कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंट्रोल काम कर रहा है, कंप्यूटर भी ये वाला कंप्यूटर है, टैबलेट भी कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, ये वाला आपका यूजर्स बोलना है। बाद में सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम लोडेड इन द सिस्टम। मैं अभी डाटा दे दिया ना, ये डाटा करने के लिए आप कुछ करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ फार्मूला ले रहे हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सपोज देखो मेरा पापा हमका कार्ड दे दिया, कार्ड दे दिया, कार रख दिया, कार फिजिकल पार्ट हार्डवेयर है, पेट्रोल डाले सब डाल दिया, वो कार कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके ऑन करके क्लच करना है, ब्रेक पकड़ना है, एक्सीलेटर देना है, ये वाला भी ऐसे करना है, ये वाला, ये पूरा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली ये वाला डाटा इनपुट करके हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रोग्राम करेंगे, ये वाला सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो ये वाला कंप्यूटर डाटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल क्या क्या है, लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में लैंग्वेजेस है, एप्लीकेशन एग्जाम्पल ऑफिस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पीपीटी, एक्सेस और ऑटोकैड और फोटोशॉप,
पिक्चर करेंगे, अभी सी एस एस एच टी एम एल वेब डिजाइन के लिए, सो इंटरनेट, ये वाला पूरा आपका सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, अभी नेक्स्ट आएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बोलता है। हार्डवेयर क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपोनेंट्स, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स मीन फिजिकल कंपोनेंट्स बोलता है हार्डवेयर। ये देखो फोटो सॉफ्टवेयर इज, मैं कंप्लीट फोटो दे दिया, ये सिस्टम है सीपीयू, मीन सीपीयू का नहीं सिस्टम, मीन उधर में सीपीयू एएलयू सब आते हैं, एस एम पी एस आते हैं, पावर सब आते हैं, ये वाला कंप्यूटर है सिस्टम है, ये मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है, ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये वाला एक्सटर्नल स्टोरेज हार्ड डिस्क बोलता है, अभी फ्लॉपी डिस्क है, अभी पेन ड्राइव आ रहा है, पुराना फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, अभी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। एक्सटर्नल डिस्क मेरे पास बोलेगा, मेरे पास एक्सटर्नल डिस्क मैं आपको बताएंगे, बैक में आते हैं, ये भी दो इधर में है पीछे में, ये वाला देखो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये वाला 3 TB है, ये वाला हमका यूएसबी पोर्ट है, कंप्यूटर यूज करके ये वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, ये वाला एक्सटर्नल, ये वाला मास स्टोरेज डिवाइस बोलता है, ये वाला एक्सटर्नल, ये पेन ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये वाला है, बट पेन ड्राइव में छोटा है, इसमें 3 TB है, ज्यादा डेटा है उधर में है, ठीक है। ये वाला प्रिंटर है, प्रिंटर है, ठीक है, ये वाला हमका कंप्यूटर में डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, इनपुट डिवाइस मीन कैसा हम लोग इंपुट देंगे, इनपुट में एंटर करें, कीबोर्ड इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, आउटपुट क्या है, माउस इनपुट है, माउस में ऐसे करता है, आउटपुट क्या है, मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो कैलकुलेशन करता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये वाला इंटरनल अंदर में कंप्यूटर का अंदर होता है, एस एफ बी एस सब होता है उधर में। देन फंक्शन क्या फंक्शन है, कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट डेटा and transfer to the computer main memory, data like a main memory bhi bhejta hai, main memory ram idhar mein, data and memory fetch the unit, unit mein wo aisa move karta hai memory se idhar leke aata hai, process the resultant output, wo process karke ye ulu arithmetic logic unit bolta hai, wo calculation karte baad mein data output unit ka monitor ka aayega, control unit for a diet or activities, control unit pura control karta hai, hum log kaam karne ke time mein mind control karta hai na, ye control unit hamara mind hai, ये डाटा लेके पूरा कंट्रोल करके ये हमारा खाना कर रहा है, इनपुट ले रहा है, ये डाइजेस्ट सिस्टम पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है, माइंड कंट्रोल कर रहा है, डाइजेस्ट सिस्टम में टंग में ये वाला अंदर जाके अंदर जाके अंदर स्टमक में रहा है, ये पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, ये वाला मेन ब्रेन इज सीपीयू बोलता है। देखो इनपुट डिवाइस प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में डाटा देंगे, प्रोसेस में कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट में आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है क्लास लेने के टाइम में, व्हाट एप्लीकेशन क्वेश्चन दे रहा है, बोलो बेटी व्हाट इज द कंप्यूटर, बोलो, ये बोलेगा नहीं ठीक नहीं, अब बोलो हाँ ठीक है, सब लोग का मालूम है, हाँ ठीक बोल रहे हैं, टेल फ्यू एडवांटेज कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने यूज कर रहे हैं हम लोग, एक लड़की बोलेगा बैंक में, दूसरा लड़की बोला एयरपोर्ट में, दूसरा लड़की बोला हॉस्पिटल में, सो सब लोग का समझ में आएगा, सब लोग का ऐसा आएगा सुनेगा, व्हाट इज हार्डवेयर, गिव सम एग्जांपल्स, हार्डवेयर बोल क्या है, वो बोलेगा कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, कुछ आदमी कुछ कुछ बच्चे बोलो, एक दो तीन बच्चे बोलो, रिविजन करूंगा एप्लीकेशन, देन समराइज रिपीटेड, रिकैपिटुलेट द लेसन, डेफिनेशन क्या है, यूजेस क्या है, हार्डवेयर क्या क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, रिविजन करना, क्लास होने के बाद में आप लोग रिविजन करना है, एक बार रिविजन करना है। नाउ असाइनमेंट, ड्रा ए कंप्यूटर सिस्टम एंड नेम द पार्ट्स, घर जाके आज का कंप्यूटर सिस्टम ड्रा करके कल आपका क्लास में सबमिट करो, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या करता है कल लेके आओ, लिस्ट द यूजर्स ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स, कंप्यूटर क्या क्या कितने कितने यूज कर रहे हैं हमका एप्लीकेशन कल बता दो, कुछ कुछ एप्लीकेशन दे दो बच्चों का, असाइनमेंट दे दो, वो कल लेके आएगा चेक करेंगे, आपको समझ में आया वो लोग अच्छा किया नहीं किया समझ में आएगा, स्पेंड करना है क्लास प्रीवियस क्लास में कनेक्ट करके स्पेंड करना है, रेफरेंस निमी कोपा ट्रेड थ्योरी, मैं निमी सिंह कोपा से ले आया बुक, वो टाइम हम लोग लिखा बट अभी ज्यादा चेंज हो गया, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस किधर बुक है, चलो आपको मालूम है किधर पढ़ा हो,
आप अमेरिका यूनिवर्सिटी पढ़ के आया, बच्चा कैसे मालूम होगा? रेफरेंस देना है, बुक देना है, एक्चुअली निमी बुक इज बेस्ट। हमारा स्किल ट्रेनिंग वर्ल्ड में, हम लोग का रिव्यू करने के टाइम में हमारा रिव्यू बुक अफ्रीकन कंट्रीज में है, ये अरब कंट्रीज में है, श्रीलंका, ढाका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड में हमारा रिव्यू बुक चल रहा है वो टाइम से अभी तक। एक्सेलेंट प्रैक्टिकल बुक इन वर्ल्ड में, ठीक है। देन नेक्स्ट लेसन, कल हम क्या करेंगे, अभी आपका इंट्रोडक्शन बोला, कल मैं मेमोरी लेंगे। सो नेक्स्ट लेसन आपका प्रिपेयर करना है, रेडी करना बच्चा कल क्या ले रहे हैं, देन दे विल बी रेडी। ये हमारा लेसन प्लान, मॉडल लेसन प्लान। नाउ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान ले रहा है मैं। सो ये वाला थोड़ा चेंज होता है, लेसन में थ्योरी, डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल, थोड़ा चेंज होता है। एक बार देखो, सेम डेमोन्स्ट्रेशन नंबर, प्रिपरेशन स्टेप में उधर में क्या होता है, टाइटल होता है, इधर में स्किल, हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं, क्या स्किल लर्न कर रहे हैं, उधर में क्या टाइटल, क्या लर्न कर रहा है, इधर क्या स्किल लर्न कर रहा है, ऑब्जेक्टिव और कंप्लीशन ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनी शैल बी एबल टू, ये देखो एनएसके फॉर्मेट, थ्योरी में क्या एक्सप्लेन अंडरस्टैंड ये वाला आएगा, स्किल में एबल टू प्रैक्टिस, एबल टू डू, एबल टू कनेक्ट, एबल टू टेस्ट, ये वाला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी प्रैक्टिकल में, ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर में क्या टूल, क्या क्या टूल यूज करेंगे, क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट चाहिए, देन इंट्रोडक्शन रिव्यू, देन मोटिवेशन, कैसे मोटिवेट करेंगे, ये वाला कैसे यूज करता है हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेफ्टी, प्रोसीजर में क्या क्या पॉइंट ले रहा है, क्या क्या सेफ्टी यूज करना है, कुछ ग्लव्स करना है, कुछ ये वाला करना है, लेदर शूज करना है, ये स्पॉटिंग्स देना है, देन एप्लीकेशन कैसे यूज कर रहे हैं, देन समरी, देन टेस्ट एवल्यूशन, असाइनमेंट एंड नेक्स्ट थिंग। नाउ लेट मी टेक ए स्मॉल रिस्पॉन, मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन का आज का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ले रहा है, ये वाला मेरा वन ऑफ द ऑथर है वो टाइम में, ये एक घंटा का क्लास है, कंस्ट्रक्ट ऑफ ए रेक्टिफायर एंड ऑब्जर्व द आउटपुट वेवफॉर्म, आज का सब्जेक्ट क्या है, ऑफ ए रेक्टिफायर है, अभी क्या है रेक्टिफायर में क्या है, हमको पहले रेक्टिफायर बोलना पड़ेगा हम लोग, सी पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्ट कंप्लीशन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन द ट्रेनी शैल बी एबल टू चेक द कंपोनेंट एंड असेंबल द सर्क्यूट, कंपोनेंट लेके वो असेंबल कर सकता है, मेजर द इनपुट एसी एंड आउटपुट डीसी, मेजर करके मल्टीमीटर कुछ मेजर कर सकता है, ट्रेस द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, इसमें चेक कर सकते हैं वाला ऑसिलोस्कोप में आएगा, मेजर द पीक वोल्टेज एंड सर्कुलेट आरएमएस वोल्टेज, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आता है, आप लोग का जरूरत है फिर भी एग्जांपल दे रहा है। नाउ क्या क्या टूल चाहिए आपको, सीआरओ, क्या तो रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं सीआरओ, उधर में आपका वेव फॉर्म आता है सीआरओ, क्रिस्टल रे ऑसिलोस्कोप, डायोड, ट्रांसफॉर्मर, छोटा ट्रांसफॉर्मर होता है आपको 6 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, सॉल्डरिंग आयन सॉल्ड करने को, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर। इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, डायोड आपका क्या यूज करता है, क्या क्या करता है, डायोड मीन्स क्या है, कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। मोटिवेशन, रेक्टिफायर सर्क्यूट्स एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एग्जांपल ये वाला क्या है, हमका मोबाइल चार्जर है, ये वाला चार्जर है, मोबाइल चार्जर, ये वाला हमका एसी में रख रहे हैं, एसी में रख रहे हैं, एसी गर्म में कैसे आता है, 230 वोल्ट आएगा एसी, एसी मीन्स अल्टरनेट करंट, 230 वोल्ट आएगा, ये वाला हमका मोबाइल में कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, ये करने का ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला रेक्टिफायर है, ये वाला फुल वेव अभी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर भी क्या है रहा है, एसी डायरेक्ट में मोबाइल देंगे, मोबाइल खराब हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, 230 वोल्ट एसी देंगे, मोबाइल खराब हो जाएगा। सो ये क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है, लैपटॉप चार्जर कन्वर्ट कर रहे हैं, घर में क्या क्या आप लोग यूज कर रहे हैं, टीवी डीसी यूज कर रहे हैं, ओनली मिक्सी फ्रिज फैन एंड एसी, ऑफकोर्स एसी, ये पूरा हीटर, ये वाला पूरा एसी में चलता है, टीवी लैपटॉप मोबाइल चार्जर ये पूरा डीसी में चलता है, डायरेक्ट करंट चलता है। सो ये वाला 230 वोल्ट से ये 12 वोल्ट बैटरी है, वाला 12 वोल्ट का वाला है, 12 वोल्ट दिखाओ, 230 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट कर रहा है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करके ये हम लोग चार्ज कर रहे हैं मोबाइल से, अदरवाइज मोबाइल खराब हो जाएगा, ये वाला आपका रेक्टिफायर है, ये वाला आपको बोलना पड़ेगा। असेंबली कैसे करेंगे,
पहले असेंबल करने पहले टेस्ट द कंपोनेंट, एक एग्जाम रजिस्टर लेगा, ट्रांसफर ले रहे हैं, सबको असेंबल कर रहे हैं, वो टेस्ट नहीं किया आपका आउटपुट नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। पहले आप लोग का ये काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मालूम होना चाहिए आपको। वैसे टेस्ट करना है वाला कॉम्पोनेंट, आपका वोल्टमीटर मल्टीमीटर मल्टीमीटर चेक कर सकते हैं। कनेक्शन द सर्क्यूट एज पर द डायग्राम, ये डायग्राम देखो ट्रांसफॉर्मर है उनका, एसी सप्लाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मर से। हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओनली वन मिनट, जस्ट अ मिनट, लास्ट वन आई टेक। Okay. Okay, sir. Kindly, I would request you to wrap up in 2 to 3 minutes, sir. Okay. Next one, test evaluation. Assemble this one. Nimi book full wear. कल में हम लोग full wear activate दे रहे हैं, ठीक है? Now I want to come to question answers, please.